क्वेश्चन टू में क्या है, 1/3 × 6 × 4/3, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 1/3 × 6 × 4/3। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि देखो 1/3 × करो, ब्रैकेट में ये दोनों है, इसका मतलब क्या है कि पहले इन दोनों का तुम मल्टीप्लाई करो, उसमें तुम 1/3 लिख दो, 1/3 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि पहले तुम इन ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, 1/3 × 6 सॉल्व करो पहले, ब्रैकेट का मतलब यही तो, पहले इसको सॉल्व करो, उस रिजल्ट में तुम 4/3 मल्टीप्लाई कर दो, ये कह रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसको ए और बी के फॉर्म में लिखूँ तो ये हो गया ए इंटू बी इंटू सी, इसको हम कर सकते हैं पहले ए में बी मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आया उसमें सी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है तुम्हारी, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आ गया समझ में। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।